यानी मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहता है कि मैं आपको समझाने का, कायल करने का, एक नशिस्त पे बैठने का 5,000 रुपया लूंगा, और हमारे स्टूडेंट वो 5,000 रुपया दे के उसके पास बैठते हैं ताकि थोड़ा मोटिवेट कर दे, लेकिन इतनी किताबें लेके आलिम जुमे वाले दिन बैठा है, इतनी किताबें लेके, और वो कह रहा है तुमसे कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ जरा जल्दी आ जाओ। मस्जिद में पंखे चला दिए हैं, आसानी पैदा कर दी है, वुजू का इंतजाम कर दिया है, क्योंकि मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए बंदे का दिल अगर उस तरह खिल जाए ना जिस तरह होना चाहिए। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, खैरात लेनी हो तो सिर्फ प्याला तो सीधा कर ले बंदा, अगर प्याला ही सीधा नहीं है, हमारा वो मिजाज नहीं। माजरत के साथ मजहब के मामलात में बात सुनने का, पढ़ने का, गौर करने का अगर वो मिजाज हो, एक मिनट के लिए कहीं और ना जाना पड़े। कायनात की हर नेमत हमें दरवाजा रसूल से मिले, लेकिन वो वालेहानापन, जब मैं पढ़ता था, अब तो मुझे नहीं पता, काफी दिनों से मैंने मालूमात नहीं की, जब मैंने मैट्रिक किया था तो रिजल्ट 31 मार्च को आता था, तो जो भी किसे आया 31 मार्च में, हाँ ना नहीं कर दे तुझे, 31 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आता था, तो जिन्होंने पेपर दिए होते थे वो 1 मार्च से नमाज भी शुरू कर लेते थे, और उनके अब्बा जी भी शुरू कर लेते थे क्योंकि पेपर दिए होते थे ना। तो वालिद को जिस दिन पता चलता था ना कि तेरा बेटा मैट्रिक कर गया है, तो जिस रिश्तेदार को उसने कभी फोन नहीं ना करना होता था, वो खुश इतना होता था, अब्बा इतना खुश होता था कि वो फोन करके कहता, भाजी मुबारक हो, वे तुहाड़ा भतीजा 10 पास कर गया। ये खुशी थी, खुशी संभाली, बाजों का जब सही मानों में खुशी हो तो फिर वो संभाली। सदके जावा, वारी जावा, ये अम्मा ही कहती है और सजता भी उसी को ही है, लेकिन कभी पुत्र का कद बाप के बराबर हो जाए तो बात अब्बे से भी संभाली कोई नहीं जाती। वो कहता है अब मुझे खैर है, मेरा बेटा, वो अलग बात है, बेटा शादी के 6 माह बाद कहे मैंने लहदा होना है, वो मामला अलग है, लेकिन बाप बड़ा राजी होता है कि कद बराबर हो गया, पढ़ गया, काबिल हो गया। सही कह रहा हूँ, ये वालेहानापन होता है, वालेहानापन रिश्तों में होता है, रिश्तों की हसासियत बताता है, ना समझ आए तो फिर हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला उन्हें फरमाते हैं, मुझे वो दिन नहीं भूलता जिस दिन अल्लाह के रसूल मक्के से हिजरत करके मदीना तय्यबा आए थे। कोई गुजूर की ऊँटनी के आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह का नारा लगाता था। बनू नजार बड़ा कबीला था, बड़ा, वो कबीलों में एजाज रखता था, उनकी बच्चियां दफ लेके बैठ गई, खुशी संभाली नहीं जा रही, वो नन्नी बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हमें मामूली ना समझना, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। थोड़ा सा ना उसमें वालेहानापन पैदा करें, बस वालेहानापन, किसी एक चीज को भी मिलाद में रसम ना बनाएं। साड़ी मसीह ते महफल ना हुई ते बंदे की आखन गई, ये बात छोड़ दें, बंदे ने आखन ली महफल करानी, ये तो रब रसूल की रिजा वाला काम है, और इसमें से रसूमात और कयूद भी निकाल दें। इतनी महंगी महफल कर दी है, गरीब आदमी हाथ ही नहीं डाल सकता महफल को, इतनी महंगी, इतने इतने मोटे खर्चे आने वालों के, जो यहाँ आपके इलाके में नात पढ़ता है वो भी नबी पाक की पढ़ता है। थोड़ा सा ना चीज़ों, मैंने इस दफ़ पिछले साल दोस्तों से कहा था कि जड़ा तुसी शापरा च लंगर देंदे हो ना, इनू भी पीर साहब ते मौलवी साहब ते खतीब साहब लंगर शरीफ ही आंदे ने, इंशाल्लाह खा लेंगे भी, सब का लंगर एक जैसा पकाया करो। बहुत सारे गरीब घरों में सारा साल नहीं गोश्त पकता, अगर ज़्यादा बोटियाँ डाल के मिलाद शरीफ पर बिठा के तरीके से खिलाओगे ना खाना, तो हो सकता है माड़े बंदे के बच्चे अपने बाप से पूछे कि अब्बा जी सन तो कभी इंज नहीं लगा, ये अज की है, उस भी रो के आखने पुत्र रज के खाओ, अज नहीं कोई तुहानू डकदा, अज मेरे नबी पाक का मिलाद शरीफ। लेकिन उसमें जज्बात लेके आए, एहसासात लेके आए, उसका भी वो वाला माहौल ना बनाए, जिन्हें 2 लाख दिता वो मेहमाने खसूसी, स्टेज की जीनत बस करें, हुजूर की महफिल मिलाद का मेहमाने खसूसी वो है जो आके फजर की अजान देता है। सुभान अल्लाह,
जो मस्जिद में झाड़ू देता है, जो रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी करता है, ना समझ आए तो बुखारी शरीफ से उस खातून का वाकया निकाल के देखो जो मेरे नबी पाक की मस्जिद में झाड़ू देती थी। सहाबा ने हुजूर को तकलीफ देना पसंद ना किया और जनाजा पढ़ के दफन कर दिया तो हुजूर कब्र पे आके खड़े हो गए और सारी दुनिया गुंबद खजरा पे और हुजूर किसी की कब्र पे आ जाए, नबी करीम आ गए कब्र पे क्योंकि ये मस्जिद में झाड़ू देती है, हुजूर कब्र पे खड़े हो गए। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं लेकिन वारसों ने न पढ़ा हो तो फिर जायज होता है और हुजूर तो खुद वारस है ना सारी उम्मत के। तो नबी पाक ने कब्र पे खड़े होके फरमाया बनाओ सफे मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ना हकीकतों का सफर करें, बड़ी हो गई रस्मी बातें, बड़ा कुछ हो गया, अब थोड़ा सा ना हमें अपने मिजाज में देखो। हुजूर ने कहा था किसी सहाबी से कि मेरे नाक से या मेरे मुंह से बलगम निकले तो चेहरे पे मान लेना, अदब और मोहब्बत और वालेहाना पन हो तो अंदाज भी आ ही जाते हैं, अंदाज आ जाते हैं। हुजूर ने कहा था किसी से कि मेरे वजू से जिस्म से जो पानी लग के गुजरे तुम चेहरों पे मलना, कहा था। बल्कि आप सही मुस्लिम शरीफ देखें, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर को हुजूर ने रौनक बख्शी, मेरे गरीब खाने पे आए तो मेरे घर की दो मंजिलें थीं, नीचे मैं रहता था, ऊपर कई दफ़ा बच्चे होते थे या खाली होता था। जब महबूब तशरीफ़ ले आए तो मैंने अर्ज़ की हुजूर जो आप पसंद करें, तो फरमाया मैं नीचे रहता हूँ, लोगों ने आने जाना है, लोगों को आसानी होगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं बच्चे लेके छत पे चला गया, लेट गया, रात को मैं उठा अचानक आँख खुली, छत पे चल रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अबू अय्यूब कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ तेरे पैर हैं वहाँ नीचे हुजूर आराम फरमा हो। ख्याल आया, यानी अगर हुजूर इसको बतौर अदब उनके सामने बयान करते हैं तो महबूब फरमाते अदब ये है कि मैं ऊपर रहता हूँ तो नीचे रहे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक और अंदाज, सहाबा ने एक और अंदाज हमें हुजूर की गुलामी का सिखाया कि ये हुजूर ने कहा नहीं। हजरत अबू अय्यूब कहते हैं मुझे वो ख्याल आया तो मैं एक कोने में सारी रात खड़ा रहा और वहां मैंने सारी रात बैठ के गुजार दी। सुबह आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे बस की बात नहीं है छत पे रहना, जहां नीचे आप तशरीफ फरमा हो। महबूब ने यूं नजर उठा के चेहरा देखा और उनकी कल्बी कैफियत और उनके बॉडी लैंग्वेज और उनका अंदाज का इखलास, फरमाया ठीक है तू बच्चे लेके नीचे आ जा और मैं ऊपर चला जाता हूँ। ये सहाबा ने ना हमें हुजूर के साथ वालेहानापन, एक तो मोहब्बत का वालेहानापन, अदब का वालेहानापन, और तीसरी बात, और इसी के करीब जाके मैंने बात समेट देनी है, वो नबी पाक का हुक्म मानने में वालेहानापन रखते थे। आजकल किसी दोस्त से कहे ना नमाज पढ़ो, वो कहते तुसी दुआ करो मेरे लिए, मैं नमाज पढ़ा करा, तो मैं कहना बैंक तनख्वाह आ जाए, कभी नहीं किसी दुआ कराई कि दुआ कर दो मेरा तनख्वाह लैन जान दिल नहीं करता पाया कराई कभी, ये हंसने की बातें नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, मस्जिद में क्यों हंसना जी हमने, ओ भाई कभी दुआ कराई है कि फलाने बंदे से पैसे लेने हैं, वो कह रहा है कि पैसे ले जा के मेरा जाने को दिल नहीं कर, कराई है दुआ कभी, बोलो ना, दिल करता जाने को, मस्जिद आने को क्यों नहीं करता। अजीब बात है ना कि मैं, मेरी जी सवेरे आंख नहीं खुलती, मैं देखता हूं ना जिसकी सुबह 4 बजे बाहर की फ्लाइट हो उसकी आंख खुलती है कि नहीं खुलती। किस तरह का मजाक हम करते हैं अपने आप के साथ। और हर आदमी का हुक्म मुकद्दम है मेरे तेरे लिए, और जो नबी पाक ने हुक्म दिया है, मैं किसी गैर से जाके कहूं कि चेहरे पे दाढ़ी रख, नबी पाक की सुन्नत है ना, तो हुजूर के गुलाम से कहना है ना, और हुजूर का गुलाम कह रहा है मैं अभी नेक नहीं मैं कैसे रख लूं। ये किस हदीस में लिखा है कि जो पूरा नेक हो वो दाढ़ी रखेगा। हलाल हराम के मसलों में जो उम्मत आज तक एहतियात ना करे, हम पाक रसूल के मानने वाले, नबी पाक ने अपने मुकद्दस कदमों की बरकत से इस उम्मत को पाकीजगी अता फरमाई है, कैसे लुकमा हराम हमारे मुंह में जा सकता है,
किस तरह भला, तबीयत कैसे गवारा करती, मुझे बताओ ना। आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर। गोश्त पका हुआ हो ना बड़ा बेहतरीन बकरे का, और मसाला भी मर्जी का हो, बंदा दो तीन लुकमे खा ले और मज़ा बड़ा आया, तो फिर एक बंदे ने कह दिया कि ये ना सदके का है, आपके मुंह में उसका जायका बदल जाता है। सही कह रहा हूं? जिस तरह आपके मुंह में, और अगर किसी ने कह दिया ये तो मुर्दार है, ज़िबह ही नहीं किया गया था, तो हो सकता है उल्टी भी आ जाए, कह कर दे यार ये ठीक नहीं। तो मेरे भाई जिस तरह इस पर कह आती है ना एक लुकमे पर कि ये हराम है, इस तरह तेरे पास जब 50 लाख हराम का है उस पर भी कह आनी चाहिए, उस पर भी तुझे उल्टी आए, तुझे घिन आए। हुजूर ने इस तरह तज़किया किया, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, इस तरह तज़किया किया था कि उनके करीब कोई शय नाजायज आ सकती नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता था, ज़ेहन साज़ी हो गई थी आज। और फिर एक आपको एक बात और अर्ज करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए, डूबा हुआ सूरज मोड़ा, पत्थरों दरख्तों ने हुजूर का कलमा पढ़ा, लेकिन ये सारी शानें हुजूर की बाद में मारूफ हुई हैं। नबी पाक की जो बात सबसे पहले लोगों के पास आई थी वो तो सादिक और अमीन होना है। हाँ हाँ, मीठा खाना भी सुन्नत है लेकिन सच बोलना सबसे बड़ी सुन्नत है, मिसवाह करना भी सुन्नत है लेकिन दिल साफ रखना सबसे बड़ी सुन्नत है। तो ये क्या बात हुई, चंद जाहिरी चीज़ों पर तो अमल हो जाए और उसी को पूरा दीन समझ लिया जाए, लेकिन जो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने मारिफत का नूर और रोशनी दी है उस पर तवज्जो नहीं। और बात मानने में बहाने, हीले बहाने, मैंने देखा है सियाने ब्याने बंदे और मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही है और उन्होंने कई मौलवियों की पगड़ियां भी खोल दी हैं कि फलाना कोई काम नहीं करता, फलाना पीर गलत है, उनको सारी तबसरे आते हैं। नमाज का टाइम आता है तो उनमें से बहुत सारे लोगों को काम याद आ जाता है, कई कहते मैंने वहां जाके पढ़नी है। ये क्या सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है? सिर्फ हमने वो, मैं जाता हूं ना, अब तो खैर मुश्किल हो गया है ज्यादा जाना, इदारे की मसरूफियत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, कि मैं देखता हूं कि 21वीं महफिल आ जी हमारी, बानी महफिल बताता है आप नमाज पढ़ते हैं, कहने दुआ करो भी 21 मौलवी मिलके भी तुझे नेक नहीं कर सके। मैंने कहा आज के बाद ना बताना किसी को, वो कहेंगे किस तरह के लोग हैं, 21 बंदे आए इसके पास और एक की भी बात नहीं सुन सका। चीजों को असल पे लाएं, असल असल होती है, और बुनियादें ठीक ना हो तो फिर आप इमारतें खड़ी करें कैसे खड़ी होंगी।